नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बड़ी अपडेट, ANM GNM भर्ती 2018। तो दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट आया था उसके जो अभ्यर्थी थे, यानी कि TSP GNM प्लस ANM और नॉन TSP ANM की जो पोस्टिंग थी दोस्तों, तब जारी नहीं की गई थी। 18 फरवरी को सिर्फ GNM के सिलेक्शन ऑर्डर जारी किए थे, पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए थे, और उनकी 1 मार्च डेट थी, यानी कि आज तक ज्वाइन करने की। तो आज दोस्तों, विभाग ने यहाँ पर पोस्टिंग ऑर्डर जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनके भी रिलीज कर दिए हैं। एक एक करके बताने वाले हैं कब तक आपको ज्वाइन करना है। और देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, 83 जो कैंडिडेट हैं TSP एरिया में GNM के हैं, GNM के 83 कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है जिनको पोस्टिंग मिलनी है। दूसरा है दोस्तों, 14 ANM है जो TSP एरिया से हैं, वेटिंग लिस्ट वाली, ठीक है। TSP ANM 14 कैंडिडेट हैं, और नॉन TSP की जो ANM है, नॉन TSP की जो ANM है वो हैं 274। इनको जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर मिली है। सबसे पहले मैं TSP के दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, जिनको यहाँ पर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी किए गए हैं, ठीक है। आदेश क्रमांक 250, दिनांक 18/2/2021, यह आपका नाम है। यहाँ पर आगे लास्ट में जो दिया गया है वो आपका पोस्टिंग पैलेस है, CMHO, जैसे डूंगरपुर वगैरह इस तरीके से इन्होंने दिया है। अब मैं इसमें देखिए डेट बता देते हैं कब तक ज्वाइन करना आपको। 5/3/2021, ठीक है, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च तक करना है। टाइम का ध्यान रखें, कल ही पहुँच जाएँ सुबह ही लेके अपने डॉक्यूमेंट। 5 तारीख तक ज्वाइन करना है TSP GNM, ठीक है। अब ANM का मैं 14 जो कैंडिडेट्स थी TSP एरिया के उनका दिखला देता हूँ आप लोगों को। ये 14 कैंडिडेट हैं जिनका पदस्थापन किया गया है, और इनको भी 5 मार्च तक ज्वाइन करना है। अपने डॉक्यूमेंट आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, तो अब आप लोग देर ना करें और अपने जो टाइम है 5 मार्च से पहले पहले आप लोगों को इसमें अपना पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ANM 274 कैंडिडेट्स जिनको पोस्टिंग के ऑर्डर इनके भी जारी हो चुके हैं। देखिए सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CMHO जैसे चित्तौड़गढ़ वगैरह इनमें दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट हैं इनकी पोस्टिंग भी जारी यहाँ पे कर दी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको यहाँ पर पहले पोस्टिंग उनको मिल चुकी थी, उनको हटाया गया था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें से कुछ जो अभ्यर्थी जो जिनको हटा दिया गया था और फिर वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है, तो अब आप वेटिंग लिस्ट वाली जगह पर आप लोग जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पहले वाले हटाने का आपको लेटर मिल चुका है, तो वेटिंग वाली जगह पर लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 274 कैंडिडेट हैं दोस्तों, सभी चयनित जो अभ्यर्थी हैं जिनको पदस्थापन के आदेश हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। सभी की पोस्टिंग डेट है वो 5 मार्च रहने वाली है। 5 मार्च को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 5 मार्च के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली, इस चीज़ का ध्यान रखें। समय पर पहुँचे अपनी ज्वाइनिंग के लिए। संबंधित डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए हों तो दोस्तों, हमारा प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, वो आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके पास जो ज़रूरी है वो है आपके सारे तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल जो आपका बनेगा वो वहीं से आप बनवा लेना। संबंधित जो CMHO है जहां आप ज्वाइन करने जाएंगे वहीं पे आप थोड़ा समय पहले चले जाएं तो वहां से आपको मेडिकल बनवा लेना। CMHO के ऑफिस का मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों का चलेगा, ठीक है। और ये 2-3 आपके शपथ पत्र बनेंगे, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जिनका नहीं बना है वो अप्लाई कर दें कल में, और उसका जो रिसिप्ट है वो लगा दें, उसके साथ एक एफिडेविट पेश कर दें, तो पुलिस वेरिफिकेशन की जो समस्या है वो भी आप लोगों की हल हो जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट आपको जो भी आपकी कैटेगरी, जाति, कास्ट, मूल सारे ये चाहिए होंगे, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।